सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान ने हुआलोंग फाइनल कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जिससे फेंगनो ने तियान पर हमला किया। उसे लगा कि तियान ने उसे गायब किया, पर लाडे ने उसे बताया था कि और ड्यूटियां शहर गया है, तो वो भी वहां जाने के लिए निकल गई थी। सब्सक्राइब करना बनता है। फिर अब हम देखते हैं कि नियान हुआ रोंग एम्पायर आ गया था। वो खुश था कि मैं अपने होम टाउन में वापस आ गया हूँ। एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि तुमने नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, पर तुम्हारा ओरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जब तुम्हारे पास टाइम हो तब तुम हमारे पास आ सकते हो, क्योंकि कुछ ही दिनों में न्यू मैच कॉम्पिटिशन होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से चैंपियन बन सकते हो, जिससे तुम्हें यहाँ सिटी में एक ऊंची पोजिशन भी मिल सकती है, लेकिन तुम उस वक्त मुझे मत भूलना। नियान उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए हम किसी और दिन बात करेंगे। तो आदमी कहता है कि जब तुम फ्री हो जाओ तब मेरे घर आ जाना। नियान सोचता है कि जरूर यह आदमी भी न्यू मैच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। नियान को एक शॉप दिखाई देती है, इसलिए उसके अंदर आ जाता है। शॉपकीपर उसे पूछता है कि यंग मास्टर, आपको क्या चाहिए? नियान कहता है कि मैं यहाँ अच्छे कपड़े खरीदना चाहता हूँ जो स्टेटस का सिंबल हो, और आप पैसों की कोई चिंता मत करना। तो शॉपकीपर कहता है कि आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ के कपड़ों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। आप अपनी पसंद के यहाँ से कोई भी कपड़े चुन सकते हो। मेरे पास अभी और भी गेस्ट है, इसीलिए मैं ज्यादा देर आपके पास नहीं रुक सकता। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नियान वहाँ कपड़े देखने लगता है और वो सोचता है कि बचपन में मुझे ज्यादातर रेड और गोल्डन कलर के कपड़े पसंद थे, और उसकी रॉन्ग फैमिली में भी रेड कलर के कपड़े पहने जाते थे। तभी वहाँ ये नो नाम की लड़की आ जाती है, और वो नियान को रोंग बिंग समझ रही थी, जो नियान का कजन ब्रदर था। वो नियान को कहती है कि रोंग बिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने मेरा पीछा किया? तुम मुझे बहुत इंटेलिजेंट और हैंडसम लगते हो, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि क्या तुम छिपकर मेरा पीछा कर रहे हो? नियान सोचता है कि ये लड़की कौन है और ये इस तरह मुझसे बात क्यों कर रही है। नियान उसे कोई जवाब नहीं देता। ये नो सोचती है कि आज रोंग बिंग यहाँ क्यों आया होगा, और वो नियान से कहती है कि तुम्हें भी रोंग मेंशन में होना चाहिए था। नियान सोचता है कि ये लड़की रोंग बिंग के बहुत क्लोज है, और शायद मैं बिल्कुल रोंग बिंग जैसा लगता हूँ। लियान उसे कहता है कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गया था। ये नुओ को कुछ समझ नहीं आता, उसे रोंग बिंग का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था, और वो उसे यहाँ करने लगती है। पर नियान साइड हो जाता है और सोचता है कि अगर मैंने अजीब बर्ताव किया तो इसे मुझ पर शक हो जाएगा, और उसे कहता है कि मुझे घर पर कुछ काम है जो मैंने अभी तक पूरा नहीं किया, और वो वहाँ से जाने लगता है। ये नुओ उसे पकड़ कर रोक लेती है और कहती है कि अगर अब तुम यहाँ गए हो तो उस काम को किसी और पर छोड़ दो, और यहाँ मेरे लिए रिंग चुनने में मेरी मदद करो। नियान हैरान हुआ सोचता है कि क्या ये एक शादी की अंगूठी है, और ये मेरे कजन रोंग बिंग की वाइफ बनने वाली होगी, यानी ये मेरी भाभी है। पर वो उसे अपनी असलियत नहीं बता सकता था, इसीलिए उसके साथ रिंग लेने जाता है। ये नो शॉपकीपर से कहती है कि तुम अपनी शॉप की सबसे अच्छी रिंग मेरे सामने पेश करो। तो शॉपकीपर सबसे अच्छी रिंग के बॉक्स को उसके पास लेकर जाता है। नियान सोचता है कि मुझे इसमें से कोई भी रिंग चूज करनी होगी, ताकि इसे मुझ पर शक ना हो, और मुझे जल्दी रोंग बिंग से भी माफी मांगनी होगी। और वो एक बटरफ्लाई वाली रिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि ये रिंग तुम पर बहुत सूट करेगी। ये नो कहती है कि रोंग बिंग, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हें पता है कि मुझे ऐसी रिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका गाल पकड़ लेती है। वो सोचती है कि रोंग बिंग ऐसा बर्ताव कभी नहीं करता, और अब वो भी समझ जाती है कि रोंग बिंग का भाई नियान बिंग है। वही हमें रोंग बिंग को दिखाया जाता है जिसका फेस बिल्कुल नियान की तरह था। वो एक पेड़ के पास था जिसके पास वो दोनों बचपन में खेला करते थे, और उस पर उन्होंने लिखा हुआ था कि रोंग बिंग और नियान दोनों भाई हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। उसे नियान की बहुत याद आ रही थी। वो कहता कि क्या नियान तुम अब ठीक हो? उसे बचपन की बात याद आती है जब नियान खेलते हुए नीचे गिर गया था, रोंग बिंग ने उसे संभाला था, उसे पैर पर चोट आई थी, इसीलिए उसने कहा कि हमें जल्दी से डॉक्टर के पास चलना होगा। नियान कहता कि भाई तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? रोंग बिंग कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और हम दोनों के पिता बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं, इसीलिए हम भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, और हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रोंग बिंग को अब लगता था कि नियान मर गया है, इसीलिए उस पेड़ पर हाथ रखकर कहता है कि भाई मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, अक्सर मैं तुम्हारे कमरे में जाता हूँ, और मैं कभी भी तुम्हारी चीजों को किसी दूसरे को छूने नहीं देता, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एक दिन तुम वापस लौटकर जरूर आओगे। वही नियान ये
नुओं से अपना गाल छुड़वा लेता है और कहता है कि तुम्हें दूसरी वाली रिंग ले सकती हो। ये नुओं कहती है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है, मैं खुद ही रिंग को पसंद कर लूंगी। उसे एक खास बॉक्स दिखाई देता है और शॉपकीपर से कहती है कि मुझे ये चीज चाहिए। शॉपकीपर कहता है कि तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है और उसे वो चीज दिखाकर बताता है कि ये मेरे शॉप के खास ट्रेजर में से एक है, क्योंकि इसमें हमने ब्लड जेट बेज को फायर एलिमेंट के साथ शामिल किया है। इसे पहनने वाले को न केवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है बल्कि इसे पहनने वाले को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। ये नुओ भी नियान को नहीं बताना चाहती थी कि उसे पहचान गई है, पर उसे वो बेज पहना देती है और सोचते हुए कहती है कि यह तुम्हारी भाभी की तरफ से यह तुम्हारा गिफ्ट है, और उसे कहती है कि तुम पूरे दिन काम करते हो इसलिए जाकर आराम करो। नियान वहाँ से चला जाता है। वहीं हम रोंग बिंग को देखते हैं जो नियान को याद करते हुए कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे भाई हो, जल्दी मैच कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, ऐसी कई सारी बुक्स है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे जल्दी से इस मैच कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी होगी। वहीं हम नियान को देखते हैं जो अब रोंग हवेली के बाहर आ जाता है। उसे वो बातें याद आती है कि जब उसके दादा रोंग यान ने उसके पिता रोंग तियान और उसे घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि रोंग तियान ने आइस गॉड पेगोड़ा की प्रिंसेस बिंगलिंग से शादी की थी। रोंग यान ने उन्हें कहा था कि अब से तुम्हारा रोंग परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए अपने नाजायज बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो पर तुम्हारा रोंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। इन यादों की वजह से नियान सोचता है कि रोंग मेंशन ने मेरे पिता के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, इसलिए मैं जल्दी इसका दोगुना भुगतान करूंगा। वही हम यू को देखते हैं जो अपने डार्क मेंशन में अपनी माँ के पास होती है। वो उन्हें बताती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैंने एक ग्रेट नेक्रोमेंसर सा फेन को पकड़ा है। तो उसकी माँ कहती है कि मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, और वो पिंक चाव से कहती है कि तुम डीमन डेवरिंग ब्लेड नहीं ला सके इसीलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, पर तुमने मेरी बेटी को प्रोटेक्ट किया इसीलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगी। पिंक चाव घुटने टेक कर उन्हें थैंक्स कहता है। यू अब अपनी माँ को साफ फेन की स्पीड दे देती है जिसे उसने एक स्टोन में कैद कर रखा था। वो खुश हुई कहती है कि तुमने इस मिशन में बहुत अच्छा काम किया, और वो पिंक चाव से भी कहती है कि तुमने भी इस नेक्रोमेंसर को पकड़ने में मदद की, इसीलिए तुम्हें भी मून मास्टर के द्वारा रिवार्ड मिलेगा और हम जल्द ही तुम्हारी अर्ल रियल में पहुंचने में मदद करेंगे। पिंक चाव ने थेस कहता है। यू की माँ कहती है कि तुम एक सेवक हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मेरी बेटी की रक्षा करो, और इससे कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम्हारा जीना व्यर्थ होगा। पिंक चाव कहता है कि भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए पर मैं राजकुमारी की रक्षा करूंगा। यू अपनी माँ से कहती है कि पिंक चाव बहुत अच्छा है, ये हमेशा मेरी फिक्र करता है, इसीलिए आप इसे मत डांटो, और वो उसे ऊपर उठा देती है। तभी वहाँ मून मास्टर भी आ जाता है जो भी यू की तारीफ करते हैं कि तुम वास्तव में मेरी बेटी हो, तुम एक बहुत ही पावरफुल नेक्रोमेंसर को वापस लाई हो जो किसी भी मैजिकल वेपन की स्पीड के समान है। अब पिंक और यू वहाँ से चले जाते हैं। मून मास्टर अब नेक्रोमेंसर साफेन को कैसे आजाद कर सामने ले आते हैं। साफेन वहाँ से भागने लगता है पर वो उस डार्क एनर्जी से बाहर नहीं भाग पाता। मून मास्टर कहता है कि तुम मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, तुम सिर्फ एक स्पीड हो इसीलिए तुम मेरी इस जगह से भाग नहीं सकते। साफेन कहता है कि हम दोनों का बैकग्राउंड डार्कनेस से है, फिर तुम मेरे लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहे हो। मून मास्टर कहता है कि तुम पुराने समय में डार्कनेस के एड मोस्टर्स में से एक थे, तुम डार्कनेस की स्पिरिट हो। साफेन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं एड डीमन में से एक हूँ, तुम कौन हो। मून मास्टर कहता है कि सालों पहले तुमने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, मेरा अनुमान सही है तो तुम सबसे चालाक मेज होगे, पर अब हजारों साल बीत गए हैं और अब ये दुनिया तुम्हारी नहीं रही। और वो अपने फ्लेम को एक्टिवेट करता है जिससे साफेन डर जाता है और कहता है कि तुम वास्तव में एक इविल मेज के रूप में रिफाइन हो चुके हो। वहीं हम नियान को देखते हैं जो रोंग मेंशन में जा रहा था। तभी तीसरे ग्रैंडफादर उसे रोक लेते हैं। नियान सोचता है कि क्या इन्हें मेरे ऊपर शक हो गया, और उन्हें प्रणाम करके कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तीसरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं हमेशा की तरह चेस खेलने जा रहा हूँ, पर तुमने मुझसे क्यों पूछा, क्या तुम मेरे साथ खेल खेल रहे हो। नियान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी आपके साथ शतरंज नहीं खेलना चाहता क्योंकि मैं उसे बहुत बुरा खेलता हूँ, मैं अभी थोड़ा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना चाहता हूँ। तीसरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि कुछ दिनों पहले बड़े भाई ने कहा कि तुम मैजिकल स्कॉलर की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, इसीलिए तुम यंग जनरेशन के बीच सबसे ओनार हो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। नियान अब लाइब्रेरी के बाहर आ जाता है, पर वहाँ पर एक सील लगी हुई थी जिसे देखकर वो हैरान हुआ। सोचता है कि ऐसी सील मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।